हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राको चैंपियन स्पोर्ट्स कुरुजी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल एंड मुंबई के बीच में होने वाले कल के कबड्डी के पहले मैच की। तो फ्रेंड, अभी पहला मैच का वीडियो अभी कवर कर रहा हूँ, दूसरा मैच का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तो फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर टीम हो सकती है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, अच्छे से देखना। मैं आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग के भी ऑप्शन बता दूंगा और स्मॉल लीग के भी ऑप्शन बता दूंगा कि कौन यहाँ पर की प्लेयर है, किनको आपको छोड़ना नहीं है और किससे आपकी अच्छी टीम बन सकती है। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कुछ अपनी कबड्डी की विनिंग। मैंने फ्रेंड अभी तक यहाँ पर कबड्डी के 20 दिन, अभी 20 दिन हुए थे, यानी कि कबड्डी 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अभी तक यहाँ पर 20 दिन ही हुए हैं शायद। तो उसमें मैंने यहाँ पर 7 ग्रैंडिंग विन कर लिए। 7 ग्रैंडिंग मतलब मैं ये नहीं बोल रहा फ्रेंड, मैंने बहुत बड़ी ग्रैंडिंग विन कर ली है। मैंने मिनी ग्रैंडिंग बोल सकते हैं, मिनी यहाँ पर 500 जो मेंबर्स की या 2000 मेंबर्स की ग्रैंडिंग होती है, वहाँ पर मैंने फ्रेंड बहुत सारी यहाँ पर 5-6 ग्रैंडिंग विन कर ली। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर मेरी विनिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 4th रैंक आया है 10,000। तो फ्रेंड, मैं ज़्यादातर ये बड़ी बड़ी लीग भी खेलता हूँ और जो सिंगल 4 मैन वाली लीग भी खेलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटी की टीम को मैंने यहाँ पर हराया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 रुपये की विनिंग, 10,000 रुपये की विनिंग, 10,000 रुपये की विनिंग, 1,000, 6,000, 4,000, 10,000। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरी ग्रैंड लीग की एक विन थी जहाँ पर मैंने 39,000 रुपये मैंने यहाँ पर अर्न किए थे। उसके बाद फ्रेंड मैंने एक बार 99,99 जो कि ड्रीम वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, वहाँ पर मैंने 1,00,000 रुपये की विनिंग की थी। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 रुपये की तो विनिंग डेली हो जाती है। ये 50,000 रुपये की मैंने विनिंग की थी, मैं 2nd रैंक पर आया था उस दिन और 50,000 रुपये फ्रेंड मुझे यहाँ पर मिले थे। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में अगर आप लॉस में हो, अगर आप यहाँ पर लॉस कवर नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप में यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल सारी टीम आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सारी मैं यहाँ पर विन करता हूँ। फ्रेंड फुटबॉल में बहुत अच्छा लक चल रहा है एंड कबड्डी एंड ये क्रिकेट में भी, कबड्डी एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल तीनों में काफ़ी अच्छा लग चल रहा है। आपको जो भी यहाँ पर प्राइम लेना है आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर मैच की। तो फ्रेंड, डायरेक्ट मैं टीम बनाऊंगा और आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो मैंने यहाँ पर टीम बना रखी है आपके लिए बहुत ही बेस्ट टीम रहेगी, आप चाहो तो इससे भी खेल सकते हो कल का मैच। तो फ्रेंड यहाँ पे बात करते थे टीम की। तो टीम में देखो, पहले रेडर की बात करते, तो रेडर में यहाँ पे मनिंदर सिंह, अभिषेक एंड दो रेडर के साथ जाऊँगा। तो फ्रेंड ये दोनों आपको यहाँ पर मैन रेडर है, आपको स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करना ही नहीं है। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आपको इन दोनों रेडर्स को आपको ड्रॉप करना ही नहीं, आपको बिना इनके आप स्मॉल लीग बना सकते नहीं बना सकते। आप ग्रैंड लीग में भले ही दोनों को ड्रॉप कर दो और इनके अलावा कोई और ले लो तो उससे काम चल जाएगा, पर स्मॉल लीग में काम नहीं चलने वाला। तो स्मॉल लीग में आपको इन दोनों प्लेयर्स को रखना ही है। ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भाई आपको नबी बख्श को लेना ही है, ठीक है, ये मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग में। तो फ्रेंड ये 3 प्लेयर आपके की हो गए और चौथा की प्लेयर वो है यहाँ पे सुरिंदर सिंह। तो ये 4 प्लेयर के बिना आप स्मॉल लीग नहीं बनाओगे फ्रेंड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इनके बिना स्मॉल लीग बनाओगे तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग हारने के आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर क्रेडिट का प्रॉब्लम है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर फैजल अतराचली को रख लेता, पर फैजल को रखने के चक्कर में मेरी यहाँ पर पूरी टीम डिसबैलेंस हो जाती है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे रिंकू नरवाल को अपनी टीम में रखूँगा एंड बलदेव सिंह। बलदेव सिंह का सिर्फ फ्रेंड यहाँ पर पिछला मैच बेकार गया था और उससे पहले बलदेव सिंह ने जो लास्ट के 2 मैच हुए थे बंगाल के, उसमें यहाँ पर हाई फाइव लगाए थे। हाई फाइव मीन 5 टैकल पॉइंट से ऊपर पॉइंट लिए थे। तो बलदेव का फ्रेंड आप इनके पॉइंट देख ही रहे हो, 113 पॉइंट है, बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस अभी तक चल रहा है। लास्ट मैच फेल हुआ था बट ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा टैकल करते हैं और कल के मैच में भी यहाँ पर अच्छा ऑप्शन आपको साबित हो जाएंगे। तो बलदेव को रखूँगा और एक 12 पॉइंट का मेरे पास बचता, तो यहाँ पर विष्णु लांगे को अपनी टीम रखूँगा फ्रेंड, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपको साबित हो जाएगा कल के मैच में। तो फ्रेंड कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फ्रेंड यहाँ पर मनिंदर को कैप्टन करूँगा और अबू स्मेल नबी बख्श को मैं यहाँ पर वाइस कैप्टन करूँगा। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित होंगे फ्रेंड आपके लिए। मनिंदर सिंह आपके लिए कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले कल के मैच में। और सेकंड ऑप्शन अगर मैं आपको बता दूँ कि नबी बख्श एंड अभिषेक सिंह, ये दोनों आपके लिए कल के दिन दूसरा ऑप्शन साबित होने वाले हैं। अब फ्रेंड अगर आप चाहो तो आप ग्रैंडिंग में एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक और टीम ग्रैंडिंग की ट्राई करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर फैजल को अपनी टीम में रखना है तो आपको एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर डाउन करवाना पड़ेगा अपनी टीम का। तो सपोज़ आपने यहाँ पे बलदेव सिंह को डाउन करा दिया और यहाँ पे अगर आप इस टीम के साथ जाते हैं फ्रेंड, तो इसमें आपका एक प्लेयर नहीं खेलेगा, वो ये धर्मेंद्र नहीं खेलेगा। तो आप यहाँ पर 6 प्लेयर के साथ खेलने के लिए उतर सकते हो। अगर फ्रेंड इन 6 प्लेयर ने यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस कर दी तो आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई यहाँ पर रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार हमको एक प्लेयर को ऐसा जो क्रेडिट मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है,
बट इनमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि छः के छः प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे, आप फ्रेंड यहाँ पे 100% गारंटी कि विन कर जाओगे। तो आप ऐसी भी टीम के साथ उतर सकते हो, और आप जो मैंने आपको पहले बताई थी तो आप उस टीम के साथ भी उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैजल के लास्ट रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है, बट उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इनको ज़्यादा ही कंसिडर करो अपनी टीम में। आप चाहो तो फैजल को ड्रॉप कर सकते हो, पर फैजल अतरचली बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्लेयर है। और की प्लेयर की मैंने आपको बात बता दी फ्रेंड, जिनको आपको छोड़ कर नहीं चलना, हुआ है सुरेंदर सिंह, दूसरे हैं यहाँ पर नवी बख्श, इनको भी आपको अपनी टीम में रखना ही है। आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे संदीप नरवाल है ऑलराउंडर में, आप चाहो तो इनको अपनी टीम में रख सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा संदीप नरवाल को। पॉइंट इनके काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि पॉइंट नहीं है, 10 पॉइंट मतलब ज़्यादा बड़ा पॉइंट लेते नहीं है, पर नॉर्मल 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 यहाँ पर ले लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। पर ग्रैंडी की टीम में स्मॉल लीग में आपको संदीप नरवाल को मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। और यहाँ पे मनिंदर सिंह एंड अभिषेक, अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड एक और मेन प्लेयर, वो है प्रपंजन। तो प्रपंजन को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं फ्रेंड, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर से एडजस्ट करके रख सकते हैं। अगर प्रपंजन को आप रख सकते हो अपनी टीम में तो आप रख सकते हो। अब ग्रैंड लीग की बात बताओ तो आप यहाँ पे अभिषेक सिंह को हटाकर यहाँ पे आप प्रपंजन को रख सकते हो, या बालियान को रख सकते हो, या आप देसवाल, इनमें से किसी को छोटे बड़े प्लेयर को आप एडजस्ट करके अपनी 6 ग्रैंड लीग की टीम के साथ खेल सकते हो। तो फ्रेंड ये मेरी टीम रहेगी आपको स्मॉल लीग की इस मैच में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाना। और अगर मेरा लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम में यहाँ पे @raku5555 करके यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड @rakuchampionsportsguruji5555 करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो RCSG5555 मेरा टेलीग्राम का, यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम से तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। लिंक फ्रेंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड अगर आपको यहाँ पर प्राइम टीम चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9165959899 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो फ्रेंड अगर आपको यहाँ पर प्राइम टीम चाहिए। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।